أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا امر محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسام کول جدوں ساڈی فتح آ گئی تسام ویکھیا لوکی جوگ در جوگ سرام اندر داخل ہو رہے نے اے میرے محبوبا اپنے اللہ دی تسبیح بیان کرو تے اپنے رب دے کولو معافیاں منگو تے بے شک اللہ پاک اپنے بندیاں نوں معاف فرما دیندے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار
अनगिनत दुरूद सलाम सैयद अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात मेरे और तुसांदे पीरो मुर्शिद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जात गिरामी ते। दोस्तों बुजुर्गो भाइयों, मैं गुनहगार ने अज दे खुतबा जुमा दे अंदर सूरह नसर दी तलावत कीती है। अल्लाह मालिक अगे दुआ है अल्लाह सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और मैनू और तुसन अल्लाह सबना नू सुन सना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों पिछले जुमे तुहाडे सामने नबी अली सलातुसलाम दी वलादत बासआदत बयान कीती। अल्लाह अपने महबूब उत्ते करोड़ा रहमतां दे नज़ूल फरमाए क्योंकि ऐसे महीने दे अंदर ही अल्लाह दे पाक पैगंबर दी वलादत हुई और ऐसे महीने दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर इस दुनिया फानी नू छोड़ के ते अपने अल्लाह कोल चले गए। इस करके अज मैं तुहाडे सामने न नबी पाक दी वफात बयान करांगा। अल्लाह के दुआ है अल्लाह हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। आ जड़ी मौत है न ये किसे नू छोड़दी नहीं, चाहे वह छोटा होवे तां चाहे वड्डा होवे तां चाहे अमीर होवे तां चाहे गरीब होवे तां चाहे इलम वाला होवे तां चाहे फजल वाला होवे तां ये किसे दे इलम नू नहीं वेंदी, किसे दे हिलम नू नहीं वेंदी, किसे दी खताबत नू नहीं वेंदी, किसे दी अदालत नू नहीं वेंदी, किसे दी तजारत नू नहीं वेंदी, किसे दी सहावत नू नहीं वेंदी। अल्लाह दा फैसला इको ही है, जेड़ा दुनिया ते आया है उन्हें जाना ही जाना है। आ जेड़ा दुनिया ते आया है ना उन्हें जाग के ही रहना है और अगर दुनिया से किसी ने रहना उन्दाम लव कान फिर दुनिया बकाम लामा माता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दुनिया से किसी ने रहना उन्दा ना ते आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरूर दुनिया से रहते पर अल्लाह पाक ने ना सारी कायनात दे सरदार पैगंबर नू भी ये बात समझा दी थी और ये बात बतला दी थी। अल्लाह पाक फरमाते ने इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन। महबूबा एक वेला आने वाला है तुसी भी दुनिया छड़ जानी है, सारे जहान ने दुनिया छड़ जानी है। और दूसरी जगह से अल्लाह पाक फरमाते ने वमा जअल्ला लिबशरिम मिन कबली कल खुल्द। ए मेरे महबूबा तुहाडे तो पहले भी पैगंबर आए बड़े बड़े लोग आ गए वमा जअल्ला लिबशरिम मिन कबली कल खुल्द पर तेरे आग कोई नहीं आंदे गैम जानते गैम अफहिम मिता फाकुमुल खाले दून। महबूबा तुसी भी चलिया जाना है ते रहना है ते किसे भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी पाक अली सलातो सलाम दे उत्ते नम जदों अल्लाह पाक ने सूरह नसर नाजल फरमाई नम ते नबी पाक नू पता लग गया हुण मेरी मौत दा वेला करीब आ गया है, हुण दुनिया तो जान दे वेले करीब आ गए ने। और सूरह नसर दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर दी वफात दा जिक्र फरमाया। हजरत से अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह को ताला अन्हु इन्हां नू ने हजरत से उमर फारूक रजी अल्लाह को ताला अन्हु ए छोटी उम्र दे सन, हजरत से उमर इन्हां नू ना कबायर सहाबा दे दरमियान बिठाया करदे।
एक दिन सियाबा ने इतराज किया, साढ़े भी बच्चे हैं पर वो इतने नहीं बहते, अब्दुल्ला बिन अब्बास इतने बैठ जा करते ने। हजरत उमर फारूक कहते ने अल्लाह ने अब्दुल्ला इस काबिल बनाया है से अब्दुल्ला बहता है। कहते किवें? हजरत उमर ने न सूरह नसर की तिलावत की और पूछने लगे इनके अंदर अल्लाह पाक ने की फरमाया। कोई सियाबी कहता इनके अंदर इस्लाम का गलबा, इनके अंदर इस्लाम की जमीयत को बयान किया। किसी ने की आख्या, किसी ने की आख्या? आप फरमाते ने अब्दुल्ला तुसी दसो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने उमर जी अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर अपने आखिरी पैगंबर की वफात का तज़किरा फरमा दिता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के नाज़िल होने तो बाद आप अक्सर ही पढ़िया करते सुबहानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका सुबहानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका वातूबु इलैक। अल्लाह सोने तारीफा तेरिया ने, अल्लाह पाकियां तेरिया ने, या अल्लाह मैं तेरा नबी मुहम्मद तेरे को माफिया मंगना वा। अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे मुस्तफा ऐसे मुबारक दे नाज़िल होने तो बाद इस सूरत दे नाज़िल होने तो बाद मेरे मुस्तफा अक्सरी इयो ही तस्बीह पढ़िया करते सन अल्लाह अकबर अल्लाह। वो भी वेले आ गए मेरे मुस्तफा नु यकीन हो गया मैं हुण दुनिया ते रहना कोई नहीं, आखिर तो दुनिया तो जाना ही जाना। मेरे मुस्तफा तैयारियां करन लग पे अल्लाह अकबर अल्लाह। चलदियां चलदियां रमजान आ गया, अल्लाह दे पाक पैगंबर आम दिनां चों आम रमजान चों मेरे मुस्तफा 10 दिन इंतकाब करते सन। इस साल मेरे पैगंबर ने 20 दिन इंतकाब किया आम रमजान चों। अल्लाह दे पाक पैगंबर एक बारी कुरान खत्म करते सन, इस रमजान चो मेरे मुहम्मद ने दो बारी कुरान खत्म कर दिता, दो बारी कुरान खत्म किया मुस्तफा ने। और जबरील नबी पाक नू सुना रहे ने, मेरा मुहम्मद जबरील नू सुना रहे, जबरील मेरे नबी नू कुरान सुना रहे ने, मेरे नबी जबरील नू कुरान सुना रहे ने। रमजान गुजर गया, शवाल आ गया, शवाल गुजर गया, जुलकादा आ गया, जुलकादा गुजर गया, जुलहजा आ गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐलान कर दिता लोगों मैं हज ली जा रहा वहां, जिन्हें जिन्हें जाने तैयार हो जाओ। 1.25 लाख बंदा मेरे नबी दे नाल हज करन तैयार हो गया। अल्लाह को अकबर अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने आराम बदे ने, सियाबा ने भी आराम बदे ने, आपने आके बैतुल्ला का हज किया ना। मेरे मुस्तफा फरमाते पैने सियाबा अज मेरे को हज के तरीके सीख लवो, अज मेरे को हज के तरीके सीख लवो, हो सकता अल्लाह वालों मेरे को कासद आ जाए तो मैं अल्लाह को चला जावा ना। मेरे नबी फरमाते ने अज मेरे को हज के तरीके सीख लवो, हो सकता है मैं अगले साल थोड़े बिच ना आवा ना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दीती ना अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे महबूबा मैं रब ने थोड़े उत्ते दीन मुकम्मल फरमा दिता है। इंज करके हज वाले दिन
ਇਹ ਐਥੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਰੋਨਾ ਏ, ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 100 ਊਂਟ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਊਂਟ? 63 ਊਂਟ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾ ਫਰਮਾਏ, 63 ਊਂਟ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ ਤੇ 37 ਊਂਟ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀਏ ਮੁਰਤਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ, 63 ਊਂਟ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 63 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਿਆਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਈ ਕੀ ਹਾਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਚੇ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬ੍ਰਹਮੰਦ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ, ਕੰਨਾ ਖਾ ਤੁਰੀ ਦੁਲ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਜ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਦ ਬਿਨ ਜਬਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਾਦ ਜਾ ਯਮਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਪਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੌਰ ਕਰੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਾਦ ਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਦ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਫੜੀਏ ਮਦੀਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਾਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਨੇ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਰ ਮਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਂਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਖਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਖਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਮ ਵਦਿਲ ਅਖਿਆਈ ਵਲ ਅਮਵਾਦ, ਕਮ ਵਦਿਲ ਅਖਿਆਈ, ਕਮ ਵਦਿਲ ਅਖਿਆਈ ਵਲ ਅਮਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਰਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਏ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਏ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਏ। ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
मैनू दो बंदियां जिन्ना बुखार है, एक कहिंदा सोहणिया तुहानूं इन्ना तेज बुखार क्यों है। आप फरमांदे ने जिन्ना शान वड्डा हुंदा है उन्ना इम्तिहान वड्डा हुंदा है, जिन्नी शान वड्डी हुंदी है उन्ना इम्तिहान वड्डा हुंदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं बुखार हो गया, मेरे मुस्तफा इन्ना बुखार दी हालत तू नमाज पढ़ाते रहना, अल्लाह को अकबर अल्लाह इस हालत चू अपनिया बीवियों को जाते रह। मेरे मुस्तफा दियाँ नौ बीवियाँ वो भी वेले आ गए, अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं इन्ना तेज बुखार होया ना, आप ते गशी तारी हो गई। अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज करके फरमा रहे ने ऐना ना गदन ऐना ना गदन ऐना ना गदन हिरसन फी बई थी ऐशा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अपनिया बीवियां नूं कह रहे ने कल मैं कितने होवांगा कल मैं कितने होवांगा। आप चाहते सन मैनू मेरी ऐशा दे घरे पुचा दिता जाए। अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अम्मा जी फातिमा नूं पता चलिया ना, अम्मा जी फातिमा ने अपनी मावां की मिन्नत की, ओए मेरी मावो मेरे बाबा जान ऐशा दे घरे जाना चाहते ने, उन्होंने उन्होंने घरे जान दौ। सारिया बीवियां ने मेरे मुस्तफा इजाजत दे दतिया। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत अली मुर्तदा हजरत फजल बिन अब्बास एक मेरे नबी दे चाचे का मुंडा दमाद दूसरा चाचे का मुंडा, इन्हों दो चचेरे भरावान ने मेरे मुस्तफा एक ने इधरों कंधा दिता है एक ने इधरों कंधा दिता है। अल्लाह के पाक पैगंबर अम्मा जी आशा दे करे छोड़ के आ गए। हूं जे किसी ने इतराज करना से हजरत अली उत्ते इतराज करे न, हजरत फजल बिन अब्बास उत्ते इतराज करे, माशा उत्ते जो इतराज करते ने दुआ करो अल्लाह पाक हदायत नसीब फरमा दे। मेरे मुस्तफा नमाज़ां पढ़ाते रह 14 दिन, मेरे नबी अम्मा जी आयशा दे घरे रहना 14 दिन तक, मेरे मुस्तफा अम्मा जी आयशा दे घरे रह नमाज़ां पढ़ाते रह 11 दिन तक नमाज़ां पढ़ाइया न 11 दिन तक। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सियाबां नूं नमाज़ां पढ़ाइया न, चलदियां चलदियां जुमेरात दा दिन आ गया, अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शाम दी नमाज दे अंदर सूरह मुरसलात दियां तलावतां फरमाइयां न। मेरे नबी ने शाम दी नमाज सूरह मुरसलात दियां तलावतां फरमाइयां, अल्लाह दे पाक पैगंबर इशा दा वेला हो गया, अल्लाह दे पाक पैगंबर उठना चाहते ने पर मेरे पाक मुहम्मद को उठिया नहीं जाता। आप फरमाते ने 7 मशकां का पानी कट्टा करो, 7 मशकां का पानी ले आया गया, हजरत हफ्सा दे घरों टप मंगवाया गया, मेरे पाक पैगंबर टप के अंदर बैठा दिता गया न, उत्ते पानी डालिया जा रहा है, 7 मशकां का पानी डाल दिता गया। आप फरमाते ने बस बस मेरे सियाबा तुसी हक अदा कर दिता, आप उठना चाहते ने मेरे नबी को उठिया नहीं जा रहा ना, आप ते गशी तारी हो गई, मेरे नबी ते गशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद फाका आया, आप फरमाते ने असलनास क्या लोगों ने नमाज पढ़ी है, साबी कहता अम्मा जी ऐसा फरमातिया ने हम यंता दी रोना या रसूल अल्लाह सोने थोड़ा इंतजार करते पेने। आप अली सलाम उठना चाहते ने मेरे नबी को उठिया नहीं जा रहा, दूसरी बारी उठन दियां कोशिशां कीतियां आप कोल नहीं उठिया जा रहा, तीसरी बारी नबी पाक उठना चाहते ने गशी तारी हो गई, आप नूं होश आया ना, आप फरमांदे ने असलनास क्या लोगों नमाज पढ़ी है, अम्मा जी आशा फरमांदियां ने हम यंता दे रोना का या रसूल अल्लाह सोने तुहाडा इंतजार करते पेने। आप फरमांदे ने मुरू
अबाब करीन फरियु सली बिन्नास। ऐसा आज मैं मस्जिदे नहीं जा सकता, आज मेरे अबू बकर नू कहो के लोगों नू नमाज पढ़ा देवे, आज मेरी थान से मेरा अबू बकर नमाज पढ़ा देवे, आज मैं अबू बकर नू अपना कैम मुकाम इमाम बना नामम। अम्मा जी फरमांदियां ने सोने हम, मेरे बाप दा दिल बड़ा नरम है, मेरे बाप दा इना हौसला कोई नहीं, मेरे बाप दा इना दिल कोई नहीं, तुहाडे मुसल्ले ते खड़ा हो जाए। अबू बकर तो अलावा किसे होर नू कह दियो, उमर नू कह दियो, अली नू कह दियो, उस्मान नू कह दियो। आप फरमांदे ने या अल्लाहु अल मोमिनून। ऐसा सुन ले, अबू बकर तो अलावा ना तो अल्लाह किसी नू इस मुसल्ले ते पसंद कर सकते ने, ना तो मोमन ही पसंद कर सकते ने। अज मेरी जगह ते नमाज पढ़ाएगा ते मेरा अबू बकर ही नमाज पढ़ाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा तन कह रहा है, सर मैं तो बाद कोई खलीफा हो सकता ते अबू बकर ही हो सकता। दुआ करो अल्लाह मेरे अबू बकर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। अबू बकर नाल तू जुलम कर, अबू बकर नाल बुगत कमा के जालिमा की लेना ही। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने घर चो सन हजरत अबू बकर नु हजरत बिलाल ने आख्या, बिलाल अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जमात कराएगा। अबू बकर रोंदिया रोंदिया मुसल्ले ते आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को ताला को नमाज पढ़ा रहे ने, मेरे नबी दी तबीयत संभली। आप फरमांदे ने अली बेटा इधर आओ, अली आ गए, फजल इधर आ, फजल आ गया। आप फरमांदे ने ऐ मेरे बच्चों मैनू मस्जिद नबी के अंदर लै चलो। एक मने हजरत अली ने, एक मने हजरत फजल बिन अब्बास ने, मेरे नबी ने ऐन करके इन्हों के मोढ़ियां से हाथ रखे हुए ने। हदीस पाक के अंदर आंदा है नबी पाक के पैरों के अंगूठियां दिया जमीन उत्ते लैना बनदियां पईयां ने, पैर तरीसते पैने। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप ऐसे हालत चो मस्जिद के अंदर पहुँच गए, सियाबा ने इशारे करने शुरू कर दिते ना कि नबी पाक आ गए ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर आ गए ने। हजरत अबू बकर एन करके अपनी जगह तो पिछा होने लगे। आप फरमाते ने मक्का नाका, अबू बकर अपनी जगह ते खड़ा रह। अबू बकर तू तो बड़ा फपदा पिया है, मुसल्ले ते बड़ा सजदा पिया है। मेरे पैगंबर अबू बकर दी खब्बी शहर से जाके मेरे नबी अबू बकर तो अगे बैठ गए ना। और इलाहाबादी मैं तो इंज लगता पिया है नबी पाक अबू बकर नू जमात करवा रहे ने, अबू बकर सारी उम्मत नू जमात करवा रहे ने। बीमार बंदा घर भी नमाज पढ़ सकता है, पर नबी पाक मस्जिद जो पता है क्यों आए? आप इस करके आए कि अबू बकर नू मुसल्ला इमामत से खड़ा किया जा सके। और ना सिर्फ अबू बकर नू मुसल्ला इमामत से खड़ा किया, बल्कि हजरत अली मुर्तदा नू पिछे मुक्ति बना दिता। अली तू पिछे अबू बकर से नमाजा पढ़ेगा, फजल तू पिछे अबू बकर से नमाजा पढ़ेगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। नमाज मुकम्मल हो गई, मेरे नबी मिंबर से तशरीफ लै गए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया ना, बड़ा सोहना खुतबा इरशाद फरमाया। आप फरमाते ने इन्नल्लाह खय्यर आबदन बैन दुनिया व बैनहुम। अल्लाह ने एक बंदे नु तैयार दिता है, ओ दुनिया ते रहना चाहे ते रह सकदा, अल्लाह कोल जाना चाहे ते जा सकदा। आप फरमांदे ने उस बंदे ने अल्लाह कोल जाने नू पसंद फरमा लिया है। इनी गल कही ते अबू बकर रोन लग पे। सहाबा कहंदे ने अबू बकर तैनू की हो गया, तू क्यों रोना पिया है? अबू बकर कहंदे ने तुहानू समझ नहीं आई जिहड़ी गल मैनू समझा ले, ते तैनू की समझ आई? कहते ने अल्लाह किसी तैयार दे सकता है तो मुहम्मद करीम दे सकता है, नहीं तो मौत किसी को नहीं दी जे, मौत किसी नहीं छोड़ दी जे। और मौत दे हथ
ਤੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰਿਆ ਮੌਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮਾਰੇਗੀ ਚਾਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਪੁਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ ਓਏ ਫਾਨੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਓਏ ਫਾਨੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਜਾਗ ਉੱਤੇ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਫਿਰ ਮੌਤ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਓ ਸਭ ਯਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਥੀ ਗਏ ਨੇ ਪੜ ਲਾਕ ਇਲਾਹਾਮ ਇਲਾਮ ਓਏ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੀਜੇ ਓਏ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੀਜੇ ਮੁੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਦੀਜੇ ਪੜ ਲਾਕ ਇਲਾਕਾਮ ਇਲਾਮ ਔਰ ਕਰ ਯਾਦ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰੱਖ ਯਾਦ ਕਫਨ ਦਿਆਂ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਜਨ ਪਰਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਲਾਕ ਇਲਾਕਾ ਇਲਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਆ ਦਿਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਓਏ ਦੱਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗਲੀਲ ਕਿਤੇ 80,000 ਨਬੀ ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18,000 ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਜੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੱਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗਲੀਲ ਕਿਤੇ ਮੂਸਾ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ ਕਲੀਮ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਦੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਿਤੇ ਪੜ ਲਾਕ ਇਲਾਹਾਮ ਇਲਾਮ ਔਰ ਛੱਡ ਪਿੰਜਰੇ ਉੱਡ ਸ਼ਹਿਬਾਦ ਗਏ ਔਰ ਕਰ ਅਰਸ਼ਮ ਵੱਲ ਪਰਵਾਦ ਗਏ ਔਰ ਕੱਥ ਵੀ ਤਾਂਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾ ਗਏ ਪੜ ਲਾਕ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ 3 ਦਿਰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਇਹਦੇ 3 ਦਿਰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦਿਰਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸੈਦ ਬਿਨ ਹੁਦੈਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤਾਲਾ ਅਨਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਓਏ ਉਸੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਛੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੁਣ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ ਆ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ
सकता ना। हजरत हुसैन कहन लगे सोने जो मैं चिड़ी वजी सी मेरा जिसम नंगा सी तुहाडे जिसम ते कपड़ा मेरे मुस्तफा ने एन करके कपड़ा बड़ा कर दिता ना। सियाबा दिया नजर पै रही ने सियाबा गुशीलिया नजर नलवेंदे पैने एक एहो जा कम पिया करता है। अल्लाह को अकबर अल्लाह किसे मेरे उमर ने तलवार से दस्ते ते हाथ रखे मैनू नबी पाक की जानता देन मैं इंदा सिर ला देना वा। अल्लाह को अकबर अल्लाह हुण दरा वेखी ना उस हैद नूं छड़ी पकड़ा दिती गई ना मेरे नबी ने अपना बदन नंगा कर दिता ना। हजरत से उस हैद एन करके दौड़ के आ रहे ने छड़ी नूं त्रोड़ मरोड़ के उस हैद ने परां चढ़ दिता ना मेरे मुस्तफा दे बदन दे नाल आके लग गए ना आप दे जिस्म नूं चुमना शुरू कर दिता। हजरत नबी पाक फरमांदे ने ओए तू की करदा पिया है कहंदा सोने पता नहीं मौका मिलना कि नहीं मिलना मैं तुहाडे जिस्म नूं चुमना चाहना वा मैं चाहना वा मेरा जिस्म तुहाडे जिस्म दे नाल लग जाए अल्लाह मेरे उत्ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर देन। सियाबी चला गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ना सियाबा नाल गल्लां करनियां शुरू कर दित्ती। आप फरमांदे ने लोगों सुन लो मेरे से जिन्ना दे शान सन मैं सारे दा बदला अदा कर दिता गया जिंदा जिंदा एहसान सबना दा बदला अदा हो चुका पर अबू बकर दा बदला मैं नहीं चुका सकता इंदा बदला रब ही चुकाएगा। आप फरमांदे ने मस्जिद नबी जो जिन्ने दरवाजे खोलते पेने सारे ही बंद कर दियो अबू बकर दे दरवाजे तो इलावा। अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे मुस्तफा अली सलाम फरमांदे ने अखरिजुल मुशरिकीन मिन जदीरतिल अरब ओए मेरे सियाबा मुशरकां नूं जदीरा अरब दे विचों कढ दे आ जे। आप फरमांदे ने अंसार नाल प्यार करिया जे अंसार दे नाल मुहब्बत करया जे अंसार दा ख्याल रखया जे। अल्लाह को अकबर अल्लाह आपने इंज करके मेरे मुस्तफा फरमांदे ने अल्लाह दे बारे बदगुमान ना होया जे अल्लाह दे उत्ते उसने जन रखया जे अल्लाह दे बारे बदगुमानियां ना करया जे। मेरे मुस्तफा हुण घरां नूं आ रहे ने जुमे रात दा दिन गुजर गया जुमा आ गया हजरत अबू बकर नमाजां पढ़ा रहे ने जुमा गुजर गया हफ्ता दा दिन आ गया हफ्ते वाले दिन अबू बकर ने नमाज पढ़ाई ना हफ्ता दिन गुजर गया ना इतवार दा दिन आ गया हजरत अबू बकर नमाजां पढ़ा रहे ने चलदियां चलदियां बारह रबीउल अव्वल वाला दिन आ गया और सोमवार दा दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जिंदगी दा आखरी दिन सोमवार वाला दिन हजरत अंस बयान करते ने अंस बयान करते ने सुबह सुबह दी नमाज दा टाइम अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अन करके सहाबा नमाज पढ़ते पेने मेरे नबी दा रोजा अल्लाह दे पाक पैगंबर दा गुजरा इंज समझो ना मिंबर आ बणिया मेरा बनया इत नाल ही खिड़की खोलती जी बिल्कुल नाल ही अम्मा जी ऐशा दा गुजरा जी अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इंज करके परदा चुकया ना। हजरत अंस कहंदे ने असी नमाज पढ़ते पैसा साडिया नजर नबी पाक ते पै गई ना आप दिया नजर साढ़े ते पईया आप सानू नमाज पढ़ते वेख के मुस्कुरा रहे सन। अल्लाह को अकबर अल्लाह अंस कहंदे ने करीब सी असी नमाज तोड़ देंदे ना आपने सानू इशारा किया ना अंश कहते ने असी नबी पाक नू वेंदे पैसा नबी पाक दा चेहरा इंज चमकता पिया सी जिवें कुरान दा वरका चमकदा है। कहते नबी पाक दा चेहरा चमक रहा सी करीब से असी नमाज तोड़ देंदे आपने पर्दा गिरा दिता आ आखरी मेरे नबी पाक ने आपके सहाबा नू वेख्या आखरी हालत चो वेख्या ते नमाज दी हालत चो वेख्या दुआ करो अल्लाह सानू भी नमाजी बना दे। हुण जनाब ना वेला लंघन लग पिया अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा नू बुला लिया रज़ी अल्लाह को तआला अन्हा अम्मा जी फातिमा आ गई ना
मेरे मुस्तफा नू वेख्या ते कहन लगिया वाह कर बाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय मेरे बाप की तकलीफ, हाय मेरे बाप की तकलीफ। आप फरमांदे ने फातिमा बेटा, अज तो बाद तेरे बाप नू कोई तकलीफ नहीं होएगी। आप फरमांदे ने फातिमा मेरे करीब हो जाओना, अम्मा जी फातिमा करीब हो गई ना। आप फरमांदे ने फातिमा तेरा बाबा इस बीमारी चो ही फौत हो जाएगा, ऐसे बीमारी चो मैं दुनिया तो चला जावांगा। अम्मा जी फातिमा रोन लग पईया ना। आप फरमांदे ने फातिमा करीब हो जाओ ना। हजरत फातिमा करीब हो गई ना। आप फरमांदे ने बेटा सुन ले, अगर सब तो पहले मेरे कोल आएगी तो मेरी बेटी फातिमा तुयों ही मेरे कोल आएगी। ते नाले नबी पाक फरमांदे ने बेटा आवेगी किवें, अल्लाह ने तैनू कायनात दियां औरतां दी सरदार बना दिता होएगा। अम्मा जी हसन लग पईया, अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरत आयशा ने बाद तो पुछया ना, वफात तो बाद तो पुछया ना, बेटा फातिमा पुछना तो नहीं चाहिदा सी, तुहाडे बाप ते तुहाडी गल, पर मैं जानना चाहनी हाँ वह गल्लां की हुईयां सन, वह बातां की हुईयां सन। अम्मा जी फातिमा ने दसिया ना, अल्लाह को अकबर अल्लाह। आप अली सलाम ने इंज करके अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा रहे ने, लान अल्लाह सुनिया यहूदियां ते लामतां करना, ईसाइयां ते लामतां करना, जिन्हें अपने पैगंबरां दियां कबरां नूं मस्जिदां बना लीता नाम। अल्लाहुम्मा लाता जल कबरी वसना, या अल्लाह मेरी कबर नूं मेला गाना बनावी नाम, या अल्लाह मेरी कबर नूं दरबार ना बनावी नाम, मेरी कबर ते मदार ना बनावी नाम। अल्लाहुम्मा ला तजल कबरी वसनम, या अल्लाह मेरी कबर ते मेला ना लगन देवी, मेरी कबर नू बहुत गा ना बनावी। अल्लाह को अकबर अल्लाह, मेरे मुस्तफा एन करके नाले नबी पाक फरमा रहे ने, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानकुम, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानकुम। लोगो मैथों बाद नमाज ही बने आजे, मैथों बाद नमाज पढ़िया जे, अपने गुलामों का ख्याल करिया जे, अपने गुलामों के नाल उसने शुरू करिया जे। अल्लाह को अकबर अल्लाह, वेला लंघता जा रहा है। अम्मा जी आशा फरमांदियां ने, मैं नबी पाक नू दम करदी पईया। अल्लाह को अकबर अल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर नू मैं दम करदी पईया। मुआवजा तैन पढ़ पढ़ के मैं नबी पाक नू दम करदी पईया। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ओए किस्मत वेखना मेरी अम्मी आशा दी। आप फरमांदियां ने, मां तन्नबी फी बैदी, नबी पाक मेरे घरे पहुंचो ना बहना सागरी व नगरी। आपका सर मुबारक मेरे सीने ते मेरी गर्दन के दरम्यान। अम्मा जी फरमांदियां ने, अल्लाह ने मैनु आजाद दिता है। आखिरी वेले अल्लाह ने मेरे से मुहम्मद दे लुआब नू इकट्ठा फरमा दिता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने चाशत का वेला होया ना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आ गए, मिसवाक कर रहे सन, मिसवाक मिसवाक कर। आपने ना नजर मिसवाक ते लगा दितियां, ते अम्मा जी कहंदियां ने, मैं समझ गई नबी पाक का दिल करदा मिसवाक करन। मैं क्या अब्दुर्रहमान मिसवाक नबी पाक नू दे दे, ते अब्दुर्रहमान ने मिसवाक मेरे पाक पैगंबर नू दिती ना, ते मेरे मुहम्मद को अज इन्नी ताकत भी नहीं कि मिसवाक नू चबा सकन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मिसवाक चबावना चाहते ने पर चबाई नहीं जा रही। अम्मा जी आयशा ने मिसवाक लई, मिसवाक चबा के मेरे नबी नू दिती ना। आपने मिसवाक कीती ना, हजरत आयशा दी वारी वाला दिन मेरे मुस्तफा दा लुआ भी अल्लाह ने कट्टा फरमा दिता। और अम्मा जी आयशा नू शान मिले नाम, अल्लाह ने नबी पाक दी कब्र भी बनाई, ते मेरी मुहम्मद दी कब्र भी बनी, ते आयशा दे हुजरे दे अंदर बनी है। ते जगह केड़ी है,
आप फरमाते ने मां बहना पई थी व मिंबरी रौजा तुम रिया दिल जन्नम आ मेरे मिंबर तो लैके मेरे हुजरे ताई जिनी जगाए आप फरमाते ने अल्लाह ने जन्नत दे बागां दे विचों बाग बना दिता गए अम्मा जी आशा फरमांदियां ने आप दा सर मुबारक मेरे सीने दे उत्ते जी ऐन करके मेरे मुस्तफा नूं मैं दम करदी पई सां ते तेरा कारी कहंदा ऐ शान हाथ चुके मंगदी दुआवां अल्लाह मेरे मुहम्मद ताई दे दे शिफावां पर हुक्म लागी वाला टलन वाला जा बुखारी पढ़ के वेख लैम कहंदियां कि ने पढ़दे मुहम्मद अल्लाह गुम्मा बिर रफीक ले आला सी हत्थां विच हत्थ आ गए नूरुल खुदा आदेम बस कर जाए शवेले लंग गए दुआ देम नबी पाक एन करके मेरे मुस्तफा दा सर हजरत आयशा दे सीने उत्ते आम हजरत आयशा दम कर दियां पईयां ने मेरे मुस्तफा एन करके सामने एक प्याला पिया होया पानी वाला आप उंदे जुम हाथ लगांदे ने अपने चेहरा मुबारक ते लगा रहे ने नाले फरमा रहे ने इन्ना लिल मौत सगरा मौत दियां बड़ियां सख्तियां ने मौत दियां बड़ियां सख्तियां ने नाले नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर एन करके मेरे मुस्तफा फरमा रहे ने मअल्लजीनम अनाम अल्लाहु मिन नबीनम व सिद्दीकीनम व शुगादाम अल्लाहुम्म अग्फिरली वरहमनी व अलहिकने बिर्रफीक ले आलाम तेरा गारी तर्जमा करदा कहते कि ने अहमद अम्मा दे कहते कि ने पढ़ते मुहम्मद अल्लाहुम्मा फिर रफीक ले आला सी हत्थां विच हत्थ आ गए नूरुल खुदा दे बस कर जाए शवेले लंघ गए दुआ दे हुक्म लागी वाला टलन वाला सी बारह बीती सुबह नूर उजाला सी चाशत दा वेला अल्लाह दे पाक पैगंबर ने एन करके उंगली चुकी हुई है आप पढ़ रहे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीक ले आलम अल्लाहुम्मा बिर्रफीक ले आलम नाले मेरे नबी पढ़ते बने वल्लजीना अनाम अल्लाहु मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी व अलहिक बिर्रफीक ले आलम आप एन करके पढ़ते पैने हौले हौले नबी पाक दी उंगली थले आवनी शुरू हो गई हौले हौले थले आ गए हाथ थले आ गए नबी पाक दा सर मुबारक लटक गया ना अम्मा जी आशा फरमांदियां ने मैं समझ गई अल्लाह दे पाक पैगंबर फौत हो चुके ने नबी पाक फौत हो गए मदीने दे तरीकी च आ गई ना अंधेरा हो गया हजरत अंस कहंदे ने जद नबी पाक मदीने च आए सन मदीना रोशन हो गया ना जदों दुनिया तो गए ना सारा मदीना तरीकी अंदर छा गया अल्लाह को अकबर अल्लाह सियाबा नु पता लगा ना हजरत अबू बकर मुकामे सुखते छन अल्लाह को अकबर अल्लाह उमर नु पता लगा उमर ने तलवार निकाल ली ना कहंदा जेड़ा कहेगा मुहम्मद फौत हो चुके ने मैं गर्दन उतार देंगा आप भी उस ईसा अलैहि सलाम वांगू पहचान गए इन्हां यहूदियां ते ईसाइयां ते मुशरकां दियां गर्दना उतार देंगे अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत अबू बकर मुकामे सुख तो सीधा अम्मा जी आयशा दे हुजरे जो आए ना आप एन करके मेरे नबी दा जसद मुबारक पिया होया है यमनी धारीदार चादर आप दे उत्ते डाली हुई है ना हजरत अबू बकर ने एन करके चादर नूं परां कीता
मेरे नबी नु बोसा दिता ना कहते ने सोने तुहाडी जिंदगी किडी बगीदा सी तुहाडी मौत किडी बगीदा सोने मैं अल्लाह की कसम खा के कहना वा अल्लाह कदी तुहाडे ते मौत दो मौतां जमानी करनगे हजरत अबू बकर एन करके मस्जिद नबी दे अंदर चले गए ना हजरत उमर नु समझान लग पे पर उमर नु कौन समझावे ना उमर नु कौन समझावे हजरत उमरे फारूक गल समझते नहीं पैना हजरत अबू बकर एन करके मिंबर ते चढ़ गए ना ते कुरान पढ़न लग पे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खालत मिन कबल गिरुसुल अफाइम मातम औ कुतिल انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين حضرت ابو بکر ناری کہہ دیتا نا علام من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد الله जड़ाडे नबी पाक इबादत करता सी उनका रब फौत हो चुका है जड़ा अल्लाह इबादत करता सी अल्लाह हमेशा जिंदा रहन गे अल्लाह फौत नहीं हो गए सारे सियाबा दियां करके इंज समझ लेना सारे सियाबा कहते ने साड़िया अखा खुल गई ना हजरत उमर न होश आ गए सारे ही पढ़न लग पे वमा मुहम्मद इल्ला रसूल वमा मुहम्मद इल्ला रसूल अल्लाह दे पाक पैगंबर दुनिया तो चले गए ना आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर सोमवार वाला दिन आप दा जसद प्यारे ना सियाबा आंदे रहे दुरूद पढ़ते रहना अल्लाह को अकबर अल्लाह नबी पाक दा नमाज जनाजा उंज नहीं होया ना जिवें साडा हुंदा अल्लाह को अकबर अल्लाह आप दा जसद प्या होया है गुसल देन दियां वारियां आईयां ना मेरे मुस्तफा नु गुसल किवें दित्ता जाए नाम अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कपड़े उतारे जान या कपड़ियां समेत गुसल दिता जाए इंज करके सारे बैठे ने सारियां ते नींद तारी हो गई ना सारे सौ गए ना एक नुक्कर दे विचों आवाज आई ना नबी पाक नूं कपड़ियां समेत ही गुसल दिता जाए हजरत अली मुर्तदा ने गुसल दिता ना हजरत फजल ने गुसल दिता ना गुसल दे के आप दा जसद मुबारक चार पाई ते रख दिता गया सियाबा आ रहे ने मुहम्मद से दुरूद पढ़ के जा रहे ने सोमवार वाला दिन गुजर गया मंगल वाला दिन गुजर गया बुध वाला दिन आ गया ना और नबी पाक दी कब्र किते बनेगी ना हजरत अबू बकर कहते ने मैनू एक हदीस भुली हुई जी मैनू याद आ गई ना मैनू नबी पाक ने दसिया सी नबी जिते दफन फौत हुंदा है नबी उत्थे ही दफन हुंदा है आप दी कबर फिर अम्मा जी आशा दे हुजरे अंदर बनाई ते कबर दो तरह थी एक कबर जी साढ़े इलाके चो बनती जी शक कहते ने विचों काढ़ो ते एक लात हुंदी जी सैर करने हुंदी जिन्हों बाली कबर कहा जाता हुण केड़ी कबर बनाई जे दोवां नूं सिरिया गल दिता गया ते मशवरा कीता जिहड़ा पहले आ गया ना उहदे उह आपदे मुताबक कबर बना दे ते लहद बनाई गई बाली कबर बनाई गई अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं कबर जो उतारिया गया ते हजरत ते मुगीरा बिन शोभा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखरी बंदे सन गल पे नबी पाक नूं उतारन लगे ना इन्हां दा साफा गिर गया ये फिर साफा फड़न लई गए नाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जसद मुबारक नूं ये चुम के या हथ लगा के आए ते कहन लगे लोगो गवाह हो जाओ मैं आखिरी बंदा जिन्हें नबी पाक दे जिस्म नूं हथ लगाया है आप दे उत्ते बुध वाले दिन फिर मिट्टी डाल के मेरे मुस्तफा नूं विधियां कर दिता गया आप अपने अल्लाह दी सपुर्द हो गए आ सी मेरे पैगंबर दी जिंदगी आप दी जिंदगी भी पकीदा 63 साल मेरे मुस्तफा ने वह कम कर विखाया
जरा दुनिया चो कोई कर नहीं विखा सकता। अल्लाह दे पाक पैगंबर 40 साल की उम्र चो मेरे नबी नू नबूता मिली, 13 साल मक्के दे अंदर नबी पाक ने गुजारे और 10 साल असल मेरे नबी ने कम किया। 10 सालों के बीच इस्लामी रियासत बनाई, 11 लख मुरब्बा मील की हुकूमत मेरे मुस्तफा ने कायम की और अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा के जिहड़ा वादा किया वरा फाना इलाका दिकरक, वह मेरे नबी का वादा अल्लाह ने पूरा करके कयामत तक ने मेरे मुहम्मद के नाम को जिंदा फरमा दिता है। अल्लाह अपने पैगंबर उत्ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। ਇਹ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਜ਼ਕਰਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ। ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਗਮ ਬੜੇ ਸਨ, ਸਿਆਬਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਡਾਚੀ ਕਸਵਾ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਦੀਕ ਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਾਤਿਮਾ ਰੋਂਦੀ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਫਾਤਿਮਾ ਰੋਂਦੀ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਲੂਮ ਉੱਜੜ ਗਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਬਤਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ, ਦੁੱਖ ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਦਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਵਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਦਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਨਾ ਭਰਿਆ ਪਾਂਬੜ ਜੋ ਅੱਗਦਾ, ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬਿਲਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਥ ਸੋਣਾ ਪਈਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਤਰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸੁਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸੁਖਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੰਝਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ ਸੁੰਝਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਾਰੋ ਮਾਗੀ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਗੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇ ਅਨਸ ਬਿਲਾਲ ਨਬੀ ਦਿਓ ਯਾਰੋ ਤੇ ਨਬੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕੜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਾਗ ਮਿਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਸੀ ਗੋਲ ਗੁਮਾਉਂਦੇ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰਤ ਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਸਾ ਸਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਸਾ ਸਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਹੋਸ਼ ਖਵਾਸਨ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ। ਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين। हफीज इस्लामिक सेंटर, तमाम इस्लामी प्रोग्राम्स, जलसे, कॉन्फ्रेंस, महफिल, हमदोनाद, स्कूल प्रोग्राम्स की वीडियो बनवाने के लिए राब्ता करें। हफीज इस्लामिक सेंटर, नाम है एतमाद का।